हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पिछले 50 साल से प्रैक्टिस में हूँ। भांति भांति के पेशेंट मेरे पास आते हैं। पिछले दिन ही एक सज्जन आए, उनकी उम्र 28 साल थी, तो अपनी बात मेरे पास रखने लगे कि उनकी पीनिस के फोरस्किन के ऊपर क्रैक पड़ते हैं। जैसे हमारे होंठ फट जाते हैं, ऐसे ही पीनिस के ऊपर क्रैक पड़ते हैं। तो मैंने उनकी सारी हिस्ट्री ली। वो बड़ी तकलीफ में थे, तो हिस्ट्री ली तो मैंने कहा भी आपको शुगर हो सकती है। उनकी पीनिस के ऊपर क्रैक पड़ रहे थे, जैसे हमारे होंठ फट जाते हैं ऐसे ही क्रैक पड़ रहे हैं। और वो हर वक्त हाथ मारते हैं, कहते मेरे को शर्म आती है, हर वक्त मैं खुजली करता रहता हूँ और वहाँ बड़ी बेचैनी हो जाती है मेरे को, मेरे अंडरगारमेंट भी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने उनकी हिस्ट्री ली सारी, उनको एडवाइस किया, उनकी शुगर प्रोफाइल बनाई, जो कि उनको पता नहीं था। अगले दिन ही वो रिपोर्ट लेके आ गए, देखा गया तो उनको शुगर थी। मैंने उनको समझाया भी गुड़ शक्कर चीनी मधु मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कीजिए। थोड़ी उनको दवाई दी शुगर कंट्रोल करने के लिए और उनको समझाया, क्योंकि वो फिक्रमंद थे। 28 साल की उम्र में उनकी शादी नहीं हुई थी। मेरे पास तो वो आए थे, मैं शादी शुदा ज़िंदगी में कामयाब रहूँगा, सफल रहूँगा, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए वो फिक्रमंद थे। नेचुरली बड़ी खुशी की बात है, वो एक हफ्ते में ठीक हो गए, लेकिन शुगर की दवाई तो उनको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी शुगर काफ़ी ज़्यादा थी। वो लगातार उनको लेनी पड़ेगी और अपना जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, मीठी चीज़ें हैं, बिल्कुल बंद करनी होगी। मैंने उनको कुछ दिन दवाई दी, वो ठीक हो गए। ऐसे लोगों को शादी के बाद भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम गुड़ शक्कर चीनी गजक मिठाइयाँ खूब खाते हैं, शराब खूब पीते हैं, तो इन बातों को हमें करना चाहिए बंद, क्योंकि जैसे मीठा है ऐसे ही शराब में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो भी मीठे वाला असरी बॉडी के ऊपर छोड़ती है। तो ऐसे मीठी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए, हल्का फुल्का खाना चाहिए, दिन में 1.5-2 घंटे पैदल चलना चाहिए, खाना हमेशा भूख से ज्यादा खाना चाहिए, ताकि आपको भी शादीशुदा जिंदगी के बाद कोई तकलीफ ना आए, कोई कमी ना आए, शुगर ना हो जाए, इस बात से बचे रहे। क्योंकि शुगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये समझ लीजिए कैंसर की बीमारी है, जो आदमी लापरवाही करते हैं और जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती और दवाइयां खाते रहते हैं। लेकिन हम सब्र से काम लें, कम खाएं, पैदल चलें, हल्का खाएं, मीठा नहीं खाएं, कोई चीज़ मीठी नहीं खाएं, तो नेचुरली हम जिंदगी आराम से चला सकते हैं। इससे बचने की जरूरत है, दवाइयाँ की जरूरत है, वो तो हमारे जैसे डॉक्टर हैं ही आपकी सेवा में। जब मर्जी आप आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। अशोक क्लिनिक पीतमपुरा दिल्ली में है, पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास है। डेली 10 से 5 बजे तक खुलता है, संडे को बंद रहता है। आपने कभी भी आना है पहले टाइम लेके आइए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9811092140। ये नंबर पे बात करके फिर आइए, सीधे नहीं चले आइए। और दूसरी बात बहुत ज़रूरी है कि अशोक क्लिनिक चांदनी चौक दिल्ली में, जो पिछले 40 साल से चल रहा था, बंद कर दिया गया है। अशोक क्लिनिक सिर्फ पीतमपुरा दिल्ली में है और कहीं कोई ब्रांच नहीं। कई लोग इधर उधर बैठे हैं, गलत कहते हैं, अशोक क्लिनिक का नाम रख लेते हैं, हमें पता भी नहीं होता, तो उन लोगों से बचिए। नमस्कार।